नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में स्वागत है। और आज इंडिया न्यूज आपको विशेष रूप से उन नेताओं के साथ बातचीत करवा रहा है जो बहुत प्रभावी हैं, जो चुनाव को प्रभावित करने का काम करेंगे और जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। इमरान मसूद ऐसे ही पश्चिम उत्तर प्रदेश के नेता हैं और कहा यह जाता है कि फिलहाल इमरान मसूद कुछ नया करना चाहते हैं। क्या नया करना चाहते हैं, आइए सीधे उनसे बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इमरान मसूद के साथ ऐसा क्या हो गया जो वो कांग्रेस को छोड़ने का मन बना रहे हैं। इमरान भाई नमस्कार। जी नमस्कार, कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूं। इमरान भाई मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो आप अखिलेश यादव से मिलाए, उसके बाद आप जो है कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ही जो है वो योगी या मोदी को रोक सकती है। देखिए मैं आज से नहीं कह रहा हूं, मैं पहले से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन के विरोध में चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे उत्तर प्रदेश का व्यापारी हो, चाहे महिलाएं हो उत्तर प्रदेश की, वो तमाम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर चाहते हैं कि एक सुशासन की स्थापना हो और सुशासन की स्थापना के लिए समाजवादी पार्टी एक मजबूत हैसियत के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर पहले से है। और मैंने बार बार ये बात पहले से कह रहा हूं, आज कोई नई नहीं कह रहा हूं। तो प्रियंका गांधी तो कह रही है कि भाई हम लोग भी तैयार हैं, वो तो कह रही है, बार बार कह रही है कि भाई गठबंधन करिए ना। अखिलेश यादव जी से भी कहे, उन्होंने कहा कई बार और मैं समझता हूं आपको ये पता होगा, तो आपने अखिलेश जी से नहीं कहा कि भाई प्रियंका जी जो है कह रही है आइए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़े, दिक्कत क्या है? देखिये मैंने बहुत प्रयास किया है, दुर्भाग्य है कि मैं उसको परवान नहीं चढ़ा सका। और प्रियंका जी बड़ी नेता हैं और मैं उनका बेहद आदर सम्मान करता हूँ। प्रियंका जी ने मुझे बेहद मान दिया, बेहद सम्मान दिया, प्रियंका जी का मैं रेडी हूँ। लेकिन इमरान भाई इस कठिन समय में अगर आप कांग्रेस जिसने आपको मान दिया, सम्मान दिया, उसको छोड़ के जा रहे हैं समाजवादी पार्टी में, इसको पब्लिक क्या कहेगी? देखिए कठिन समय प्रदेश के लिए है, कठिन समय प्रदेश की जनता के लिए है जिन्होंने 4-5 साल तक इनके अत्याचार को सहने का काम किया है। उस अत्याचार से मुक्त कराने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर एक सुशासन की स्थापना के लिए राजनीतिक परिस्थिति इस प्रकार की खड़ी हो गई कि हमें फैसला लेना पड़ेगा। हमें फैसला लेना पड़ेगा कि हम भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए मजबूती के साथ एक ताकत को खड़ा करने का काम करें। तो आप बाकी लोगों से भी कह दीजिए कांग्रेसियों से कि वो भी अखिलेश यादव के साथ खड़े आए, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलें, तभी लोग आप जीत हासिल करोगे, क्योंकि कहीं भी बटेंगे तो फिर आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, मैंने सबसे कहा है, मैंने बार बार कहा ये बात और आपके चैनल के माध्यम से भी कही है। अच्छा ये बताइए कि कौन कौन आपके साथ जो है अखिलेश यादव के साथ आ रहा है कांग्रेस की, वो कौन कौन से नेता हैं, बहुत सारे एमएलए हैं जो आपके संपर्क में हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के? मैं साहब अपने कल साथियों को बात करूंगा, जो साथी हैं मेरे उनसे बात कर करके मैं फैसला लूंगा। जो साथी जिसका जो मन होगा, किसी के विचारों के ऊपर हम अतिक्रमण तो नहीं कर सकते ना। मैं एक सलाह दे सकता हूँ, अपने बारे में निर्णय ले सकता हूँ, तो मैं अपने बारे में निर्णय लूंगा। तो अपने बारे में आप क्या अब निर्णय लेने जा रहे हैं, आप बताइए, पूरा देश आपको सुन रहा है। देखिए मैंने आपको भी बताया ना, मैंने कल साथियों की मीटिंग बुलाई और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियां इस प्रकार की है कि सीधी लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की बन गई है। अब चूंकि आचार संहिता लागू हो गई है, आचार संहिता लागू होने के बाद ये चीज बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है, तो उस लड़ाई के अंदर हम लोग किस तरह से मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सके, उसके लिए हम लोगों को रणनीति बनानी है और उसी रणनीति पर मैं काम कर रहा हूँ और मुझे उसके अंदर समाजवादी पार्टी दिखाई देती है। इमरान भाई आपको लगता नहीं कि बहुजन समाज पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश में उसका बहुत अच्छा खासा वोट बैंक है, हर बार आपने देखा होगा कि उसने चुनाव को कैसे प्रभावित किया, आपको लगता नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी अलग है, समाजवादी पार्टी अलग है और आप कोशिश ये कर रहे हैं कि कैसे योगी और मोदी को हराएं? देखिए बहुजन समाज पार्टी का बारे में कोई भी प्रिडिक्शन आप नहीं कर सकते, नेताजी बहन जी क्या फैसला कब कर लेंगी उनका पता ही नहीं चलता है, तो इसके बारे में कोई आप प्रिडिक्शन कर ही नहीं सकते, इसीलिए उनकी पार्टी इस हालत के अंदर चली गई। तो
तो आपको लगता नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी का कोई वहां जनाधार है? नहीं नहीं, बहुजन समाज पार्टी का आधार है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अब इस हैसियत के अंदर नहीं रही कि बहुजन समाज पार्टी कहीं लड़ाई के अंदर भी दिखाई दे। अच्छा, चंद्रशेखर रावण की भी मुलाकात अखिलेश यादव से हुई थी, आप मुझे ये बताइए कि चंद्रशेखर रावण को भी आप लोग साथ लेके आ रहे हैं या चंद्रशेखर रावण वहां पे अकेले चुनाव लड़ेंगे? मैंने अपने बारे में कहा है कि मैं अपने बारे में निर्णय लेने में सक्षम हूं और मैं अपने साथियों से बैठ करके निर्णय लूंगा, बाकी किसी के बारे में मैं ना कोई टिप्पणी करना चाहता हूँ ना मुझे पता है। इमरान भाई, लेकिन लड़ाई तो बहुत बड़ी है ना, आप अपने बारे में निर्णय तो ले रहे हैं, लेकिन सवाल है ये लड़ाई जो आप करने जा रहे हैं वो जीत के लिए लड़ने जा रहे हैं, तो सारे अगर एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे तो मैं समझता हूं कि फिर लड़ाई वैसी की वैसी रह जाएगी। पिछले 3-4 महीने से मैं यही तो कोशिश कर रहा हूं, इस कोशिश के अंदर मैं कामयाब नहीं हुआ तो इसीलिए तो फैसला कर रहा हूं। तो 4 महीने की कोशिश जो है वो कामयाबी नहीं दिला पाई, वो किसकी वजह से, कहां आपको क्या लगता है किसकी कमी रह गई थी, किसकी वजह से ये गठबंधन नहीं हो पाया इमरान भाई? नहीं नहीं, कमी नहीं है, मैं किसी की कमी कहूँ या किसी के ऊपर आक्षेप करूँ ये नहीं है, राजनीतिक परिस्थितियाँ होती हैं, निर्णय राजनीति के हिसाब से राजनीतिक दल लेते हैं, कई बार उनके अपनी अपनी मजबूरी होती है, वो उनके अपने फैसले होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि राष्ट्रीय लोकदल आपका एक बड़ा गठबंधन है, समाजवादी पार्टी का एक बड़ा गठबंधन है, आपको क्या लगता है कि कितना प्रभावी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर किसान जो परेशान हुआ है और जो किसान आंदोलन चला है उसकी आज इस चुनाव के अंदर आपको उसकी तपिश देखने को मिलेगी और उसका फायदा निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकदल के रूप में मिलने का काम होगा। इमरान भाई, मुझे ये बताइए कि राष्ट्रीय लोकदल के जो नेता हैं या समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, जो लोग अलग अलग जगहों से अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और बाद में गठबंधन हो गया, आपको क्या लगता है कि समाज, जहां से राष्ट्रीय लोकदल के लोगों को टिकट मिलेगा वहां से समाजवादी पार्टी के लोग टिकट नहीं मांगेंगे? देखिए, चुनाव में अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हमें उस सुशासन की स्थापना करनी है तो अपनी पर्सनल ईगोस को हमें अलग रखना पड़ेगा, हमें अपने व्यक्तिगत मामलों को अलग रखना पड़ेगा और मैं सबसे यही अपील करूंगा कि समय इस वक्त बदलाव का है और इस बदलाव के बिहार के अंदर उत्तर प्रदेश को एक नए प्रदेश के रूप में ढालने के लिए जो 5 साल के अंदर प्रदेश के अंदर बदहाली हुई है उसको सुधारने के लिए सब लोग अपने एक मकसद के साथ चले कि हमें सरकार बदल ली। क्या रणनीति है इमरान भाई, कैसे आप इस रणनीति पे काम कर रहे हैं या कैसे जो है आप अपने मकसद में कामयाब होंगे? मुझे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पिछली बार आप देखिए 2019 में सारे लोग एक साथ थे, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी फतह हासिल की, बड़ी विजय हासिल की, ऐसा कौन सा ऐसा सूत्र आपके पास है जिसकी वजह से आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत बेहतर नंबर दे पाओ? देखिए, किसान आंदोलन पश्चिम उत्तर प्रदेश की अंदर जो हुआ है उसके अंदर किसान आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश के चुनाव में रहने वाली है। 1 साल किसान सड़क के ऊपर बैठा रहा और इनका दिल नहीं पसीचा, भरी हुई बरसात के अंदर, कपकपाती हुई सर्दी के अंदर और लू के थपेड़ों के अंदर किसान सड़क के ऊपर 1 साल गुजार करके आया है, तो वो सारा गुस्सा अब चुनाव के अंदर आपको दिखाई देने का काम होगा। इमरान भाई, एक बात बताइए, आप लोग राकेश टिकैत से क्यों नहीं बात कर रहे हैं? राकेश टिकैत पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और भले वो ये कह रहे हैं कि नहीं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम किसानों के साथ रहेंगे, आपको लगता नहीं कि अगर राकेश टिकैत आपके साथ आ जाए तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो फिर आपका आपसे ज्यादा मजबूत पार्टी नहीं रहेगी? देखिए, राकेश भाई हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे, और मेरी उनसे गाय बजाय बात होती रहती है और उनका भी मकसद एक ही है और उसी मकसद को साधने में वो भी लगे हैं और मुझे नहीं लगता कि वो कहीं अलग हैं। नहीं, वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे आपके साथ मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, क्योंकि देखिए राजनीति में तो बहुत सीधी सी बात है, अगर आप चुनाव लड़के सत्ता में आते हैं तभी उसका मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। नहीं, वो तो अराजनैतिक संगठन है, उनका आशीर्वाद और स्नेह सबके हमारे साथ है। चलिए इमरान भाई, हम उम्मीद करेंगे कि नहीं आप जिस मकसद के साथ लगे हैं उस मकसद में कामयाब हो।
और हम लोग फिर दोबारा बात करेंगे। आपने इंडिया न्यूज से बात की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कलर बदलो, जी हाँ, वीवो लाया है इंडिया फर्स्ट कलर चेंजिंग फोन, जिसमें मिलता है 50 मेगापिक्सल आई और